तो अभी गाइस हम घूमते फिरते गंगा नदी के किनारे आ गए हैं और यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, पीछे लक्ष्मण झूला है। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी गाइस सुबह के 8:30 बज रहे हैं और फिलहाल अभी हम नहा धो के रेडी हो गए हैं दोनों भाई, बिकॉज आज हम जा रहे हैं ऋषिकेश। कुनाली और पीयूष तो गए स्कूल, लेकिन हमारा प्लान है ऋषिकेश तक जाने का। मैं, साहिल और शुभम जा रहे हैं बस, और थोड़ा बहुत चिल करेंगे वहाँ पे। और राफ्टिंग करने का प्लान है, बंजी जंपिंग करने का प्लान है। मन कर रहा था काफी टाइम से बड़े ऐसी जगह पे जाने का, तो ऋषिकेश हम गए भी नहीं, पहली बार ही जा रहे ऋषिकेश। साहिल भी सुबह सुबह रेडी हो चुका है आज, तो वो 250 किलोमीटर है, 5 घंटे तो आराम से ड्राइव हो जाएगा। बहुत कम है 5 घंटे, अगर आधी साहिल करेगा आधी मैं करूंगा, या फिर एक जना भी कर सकता है ड्राइव। मेन तो मेरे को राफ्टिंग करनी है, राफ्टिंग बहुत खतरनाक लगती है, वो डर भी लगता है उससे। तो हाँ, वो मैंने वीडियोस में देखा है, तो अब करेंगे जाके, मजा आएगा, कल करेंगे, अभी फिलहाल निकलते हैं। तो अम्मी जी क्या बना है? पोहा बनाया मैंने। पोहा, तब खाना पीना हो चुका है, अब निकलते जल्दी से। बैग वैग पैक कर लिए हैं, इसमें कपड़े हैं, इसमें कैमरा वैमरा है। जाने से पहले तिलक जरूरी है, गंगा जी में डुबकी लगाएंगे, सारे पाप धो के आएंगे। तो अभी गाइस शुभम भी आ चुका है, तो अब चलते हैं सीधा। साहिल रेडी हो गया? साहिल कहाँ है, क्या हुआ? मुझे नहीं मिल रहा। इसका दूसरा कहाँ है? इसका दूसरा मुझे नहीं पता। सॉक्स की यही दिक्कत है, एक सॉक्स मिलता है उसका दूसरा सॉक्स मिलता ही नहीं, उसका पेयर मिलता ही नहीं है। मैंने भी ऐसे ही कुछ भी जो मिला मैंने डाल लिया जल्दी जल्दी में। मिल गया, मिल गया। पानी की बोतल, पानी की बोतल ले लो, ये वाली दोनों ले लेता हूँ। तो इस ट्रिप पे हम जा रहे हैं फॉर्चुनर में, थार यहाँ खड़ी कर दी है, अब चलते हैं। मम्मी पापा को बाय बोलते हैं, गाड़ी रेडी है अपनी। ठीक है, बाय बाय मम्मी, बाय ओलू, बाय ओलू। पीयूष और कुनाली तो गए स्कूल, उनको तो बाय कर नहीं पाए। अब की बार मैं कोई पर्टिकुलरली व्लॉग बनाने के लिए नहीं जा रहा, वैसे चिल करने के लिए, थोड़ी शांति के लिए जा रहे हैं। गर्मी भी हो रही थी वहाँ, मस्त ठंडा ठंडा मौसम होगा, गंगा किनारे बैठेंगे रात को भी। अभी हम इस रोड पे चल रहे हैं, यहाँ एकदम से हाथी क्रॉस करे भाई, मजा आ जाएगा। हाथी या फिर कोई कोई टाइगर क्रॉस करे, हाथी के चांसेस ज्यादा है, हाथी के चांसेस ज्यादा है। रात को तो क्रॉस करते ही करते हैं यहाँ पे हाथी हिरन वगैरह, दिन में तो ट्रैफिक होता है ना, दिन में गाड़ियां वाड़ियां आते तो डरते हैं वो। तो अभी शुभम ने एक बहुत लॉजिक की बात करी, क्रॉस तो हम कर रहे हैं उनको, वो तो अपने घर में है, जंगल के बीच में रोड तो हमने बना रखी है, क्रॉस तो हम कर रहे हैं उनको। तो अभी गाइस रुके हैं यहाँ पे पंजाबी ढाबे पे कुछ खाने के लिए, एक बज चुके हैं, भूख भी लग रही है, सुबह पोहा खाया था ना, तो अभी खाना खाते हैं उसके बाद चलते हैं आगे। यहाँ से अराउंड 1 घंटा बाकी है बस ऋषिकेश पहुँचने में। तो अभी गाइस हमारी थाली तो आ चुकी है, इसमें दाल है, सब्जी है, चावल है, प्याज है और रोटी है। तो भी गाइस खाना तो हो चुका है, और जो खाना हो रहा था अल्टीमेटली, तो फिलहाल हमने चाय मंगाई है, चाय पीते हैं और फिर चलते हैं। तो भी गाइस चाय भी आ चुकी है, और चाय भी इतनी मस्त हो रही है ना। तो भी गाइस हरिद्वार पहुंच चुके हैं, ये है यहाँ पे गंगा नदी, यहाँ से है सिर्फ 19 किलोमीटर। तो भी गाइस सबसे पहले हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला पे, तो वहीं से पता करेंगे राफ्टिंग वगैरह का, देखते हैं। तो आज ही राफ्टिंग कर लेंगे, अभी हमारे पास टाइम है, अगर टाइम ज्यादा हो गया नहीं तो फिर कल कर लेंगे राफ्टिंग। ये देखो कितना प्यारा सा रास्ता है, यहाँ से अभी 10 किलोमीटर बाकी है। गाइस मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ लक्ष्मण झूला देखने के लिए, बिकॉज मैंने कभी देखा नहीं है, मैंने बस फोटोज भी देखा है, और नीचे गंगा नदी भी होगी। तो अभी हमारा कोई रहने का ठिकाना नहीं है, तो हम सोच रहे कि झूले के पास में ही ना हमको मिल जाए कोई होटल। पहुंच तो गए, पुलिस वाले ने रुकवा दी, कह रहे यहाँ पार्क करो, इससे आगे नहीं जा सकते, हम शायद गलत आ गए हैं। तो अभी गाइस फाइनली हम लक्ष्मण झूला पे तो पहुंच गए थे, लेकिन हम गलत साइड आ गए, हमको ना पहाड़ के उस साइड जो पहाड़ दिख रहा है ना उधर जाना था, हम गलत रोड पे आ गए। हम गूगल मैप को फॉलो कर रहे थे ना, तो वो यहाँ ले आया, और यहाँ से एक गाड़ी जा सकती है, यहाँ से ना आधा किलोमीटर है। जब नई जगह पे आते ना जगह का पता नहीं होता, तब ऐसे ही होता है यार, हमारा 1 घंटा वेस्ट हो गया। तो गाइस गूगल मैप की वजह से हमारा पोपट हो चुका है, अब नहीं फॉलो कर रहे हम गूगल मैप को, अब हमने हटा दिया, अब हम लोगों से पूछते पूछते जाएंगे भाई। तो अभी गाइस हम जा रहे थे लक्ष्मण झूले की तरफ, और हमको पता क्या दिखा, ये देखो गंगा नदी, और इसमें देखो राफ्टिंग हो रही है, और कितना क्रेजी लग रहा है, कितना अलग ही लग रहा है। तो गाइस ये देखो कितना मस्त लग रहा है, कितना कूल लग रहा है यार, तैर भी रहे हैं। हाँ ये देखो सारे के सारे राफ्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे भाई, इसमें तो सारे के सारे उतरे हुए हैं, ये देखो 4 बोट्स और आगे सब में से उतरे हुए हैं, सारे के सारे उतरे हुए हैं भाई। तो हाँ हम भी करेंगे, अभी तो भाई शाम हो चुकी है, अभी तो नहीं कर सकते, हम कल ही करेंगे भाई, एकदम अलग ही एक्सपीरियंस होगा, हमने ये वाला एक्सपीरियंस नहीं करा राफ्टिंग वाला कभी। तो अभी फिलहाल हम होटल वगैरह ढूंढते हैं, कोई रिसॉर्ट वगैरह जहाँ पे अच्छे से एक रूम मिल जाए, तीनों एक ही रूम में रह लेंगे हम। तो अभी गाइस पता नहीं हम कहाँ जा रहे हैं, हम तो इस गाड़ी को फॉलो कर रहे हैं भाई, वो सामने वाला पहाड़ देख कितना मस्त लग रहा है भाई, इधर तो रेत है, यहाँ पे पत्थरों पे कुछ लिख रखा है, डूबने का खतरा, गंगा जी का जलस्तर बहुत गहरा है, जय गंगे माता। गाइस ये ना बहुत गहरा है, यहाँ से बहुत ज्यादा गहरा है, इसलिए यहाँ पे वार्निंग लिखी है, देखो सब जगह वार्निंग लिखी हुई है, इसलिए सब लाइफ जैकेट में है, देखो सारे लाइफ जैकेट में है। मेरा मन तो कर रहा है कुछ देर यहीं पे बैठ जाऊं, लेकिन अभी होटल ढूंढना है यार हमको। गाइस इतनी प्यारी जगह है ना ऋषिकेश, मैं तो फर्स्ट टाइम आया हूं भाई, यहां पे तो हम अपना म्यूजिक वीडियो भी शूट कर सकते हैं। तब मैं दिखाता हूं आपको यहां के ड्रोन शॉट्स, ड्रोन उड़ाते हैं यहां से, बहुत मस्त लग रहा है ना,
पहले ड्रोन उड़ाते हैं उसके बाद देखेंगे होटल। इन्होंने बता दिया यहाँ पे ना कैंपिंग भी है, तो कैंपिंग कर सकते हैं हम। चलो अब ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ आपको, वहाँ चलते हैं नदी किनारे, वहीं पे उड़ाएंगे। चल नदी किनारे तो भाई जैसे कि आपने देखा कि मस्त ड्रोन शॉट है यहाँ पे। मेन तो वहाँ पे वो जो जगह है ना जहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा बहाव है, वहाँ पे देखा था कैसे बोट जा रही थी। भाई वीडियो में देख कितना डर सा लग रहा है ना, जब हम कल जाएंगे तब कैसा लगेगा तो वो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ जाने के लिए, डर भी लग रहा है मुझे क्योंकि जो वो वाली जगह है ना, ऐसी जगह यहाँ पे बहुत सारी हैं। तो ये अराउंड 20-25 किलोमीटर की यहाँ पे होती है राफ्टिंग, पूरी रिवर में 20 किलोमीटर तक जाते हैं राफ्टिंग करते। तो मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ यार। गाइस इतना अच्छा लग रहा है यहाँ पे, मन कर रहा है यहीं पे बैठे रहो, लेकिन अभी हमको होटल भी ढूंढना है यार। होटल रहने का ठिकाना ही नहीं हमारे पास, उसकी बस एक टेंशन हो रही कि रहेंगे कहाँ। एक बार वो हो जाए ना फिर तो चाहे बैठे रहेंगे रात भर आके यहाँ पे। अभी तो हम लक्ष्मण झूले पे भी नहीं गए, यहाँ पे तो रेत है देख। ये वाला एरिया तो बीच की तरह लग रहा है, देखो यहाँ पे रेत है ना, वो किनारा एकदम मस्त। मन कर रहा है कूद जाऊँ लेकिन अलाउ नहीं है यहाँ पे। और यहाँ पे साहिल अपनी रील बना रहा है, स्टंट मारेगा स्टंट। ओ भाई पानी में मत चला जाएगी वस्तु, भीग गई तेरी पैंट, भीग गई भाई। ज्यादा उधर मत चल जाइयो बस। पीयूष को काफी मिस कर रहे हैं बिकॉज हर ट्रिप पे वो हमारे साथ में होता था, फर्स्ट टाइम कोई ट्रिप पे वो हमारे साथ में नहीं है स्कूल की वजह से। हम भी मिस कर रहे हैं उसको, वो भी हमको मिस कर रहा होगा ये वीडियो देख के। बट कोई बात नहीं, स्कूलिंग जरूरी है, कभी फैमिली के साथ में आएंगे तब दोबारा ले आएंगे। सबसे बढ़िया बात मुझे पता क्या लगी कि यहाँ की, यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं है। तो यूजली बीच वगैरह पे देखा होगा आपने कितना भरा रहता है, यहाँ पे ऐसा नहीं है, बिल्कुल खाली है। तो फॉर्चूनर अपनी यहाँ खड़ी है मस्त सैंड में। तो भी गाइस हम और आगे जा रहे हैं होटल ढूंढने के लिए, हमको लिटरली कोई आइडिया नहीं है यहाँ के बारे में। बस हम यहाँ से लोगों से पूछे, सब्सक्राइबर से पूछे, वो कह रहे आगे जाके तुमको मिल जाएंगे रिजॉर्ट, तो हम चलते जा रहे हैं। तो भी गाइस फाइनली हमको होटल एंड रिजॉर्ट्स वगैरह दिखे, यहाँ पे कैंपिंग भी है। तो ये देखो यहाँ पे स्विमिंग पूल भी दिख रहा है, यहाँ पे रूम्स भी दिख रहे हैं, कैंप भी दिख रहे हैं, वहाँ जो कितने सारे कैंप भी हैं। तो यहाँ जाके पता करके आते हैं क्या सीन है, और वहाँ पे सामने रिवर भी है तो रिवर में भी जा सकते हैं। तो चलते हैं पता करके आते हैं क्या सीन है, कितने का रूम मिलेगा, या फिर चलो इनसे पूछ के आते हैं क्या सीन है। वैसे लग तो मस्त रहे ना, ये हट की तरह बने हुए हैं यहाँ पे। जगह तो गाइस काफी सुंदर है। अच्छा ये नॉर्मल रूम है, ये मस्त लग रहे हैं गाइस, है तो मस्त। चार्जेस पूछता हूँ, है तो मस्त। तो भी गाइस हमने फाइनल कर लिया है ये वाला रूम जो कि बैम्बू वाला है, तो ये पूरा बैम्बू रूम है, आज हम रात को यहीं स्टे करने वाले हैं। तो भी गाइस शाम के 5:30 बज चुके हैं, अब हमारा प्लान नहीं है लक्ष्मण झूले पे जाने का, तो हम कल जाएंगे, आज हम यहीं पे स्टे करते हैं बिकॉज काफ़ी थक गए, ड्राइव भी करी है, नदी पे भी गए थे। तो एक बार गाड़ी में सामान निकाल के हम रूम में डाल देते हैं। तो भी गाइस प्लान में चेंज है, हम यहाँ स्टे नहीं कर रहे हैं, हम जा रहे हैं लक्ष्मण झूला, वहीं पे आसपास में कोई होटल देख लेंगे, वहीं पे आसपास में मार्केट में वहीं खाएंगे, वहीं रहेंगे। क्यों कर रहे हैं यहाँ स्टे, करेंगे क्या यहाँ, सोना थोड़ी ना है। वही तो, हमको सोना थोड़ी ना, हमको घूमने आए, हमको लग्जरी लाइफ नहीं जीनी भाई, हम घूमने आए, घूमने आए रात को घूमेंगे यार, हम नहीं सोच, हम यहाँ पे करेंगे क्या, हम सोचे यार हम करेंगे क्या, रूम तो ले लेंगे अच्छे से, अच्छी जगह से क्या करेंगे, हमें गंदी जगह जी, यहाँ हम क्या कर सकते, सो सकते हैं बस, वही तो। हाँ यार सही दिमाग लगाया, चलो अब चलते हैं लक्ष्मण झूला चलते हैं। चलो भाई चलो। गाइज आप लोग भी हमको पागल समझ रहे, बट क्या करें, हम आए हैं अब नई जगह पे, अनजान जगह पे। तो फाइनली गाइज लक्ष्मण झूले के पास हमको होटल मिल चुका है, सिंपल सा, तो दिखाता हूँ आपको। तो गाइज ये रूम मिल गया हमको, देखो काफी सही और सस्ता भी। तो इसमें दो बेड है, यहाँ साहिल और मैं सो जाएंगे, वहाँ सोम सो जाएगा, तो ये बेड भी काफी सही है देखो। तो अभी गाइज फाइनली रूम मिल चुका है, एक टेंशन खत्म जो सबसे इम्पोर्टेंट थी रहने की, तो रात को यहीं रहेंगे मस्त। चलो अब चलते हैं, बैग वैग रख दिया हमने यहाँ पे और गाड़ी पार्क कर दिया, हम जाएंगे यहाँ से पैदल अराउंड 1 किलोमीटर लक्ष्मण झूला। तो गाइज ये होटल है हमारे पीछे जहाँ पे हमने रूम लिया है, कैसे हो? आपका चैनल है, नेगेटिव पिक्चर। तो होटल से बाहर निकलते ही सब्सक्राइबर्स मिल रहे हैं। तो अभी गाइज हम रात को ऋषिकेश की गलियों में घूम रहे हैं, और यहाँ पे देखो वॉल आर्ट कर रखा है मस्त मस्त गलियों में। तो भाई कहाँ ले जा रहे हो, पतली पतली गलियों में कहाँ ले जा रहे हो? गूगल मैप ले जा रहे हैं भाई, ये गली धीरे धीरे पतली हो रही है भाई। तो फाइनली हम पहुंचने वाले हैं लक्ष्मण झूला पे, वो जो लाइट है ना वहाँ पे है, और नीचे पानी में रिफ्लेक्शन देखो भाई, झूले का कितना प्यारा आ रहा है। तो गाइज फाइनली मेरे पीछे है लक्ष्मण झूला, तो अब चलते हैं उसके ऊपर, यहाँ तो काफ़ी भीड़ हो रही है, यहाँ तो गाइज काफ़ी ज़्यादा भीड़ हो रही है इसके ऊपर तो, और ये हल्का हल्का हिल भी रहा है। मेरे पीछे देखो कितना मस्त लग रहा है,
तो गाइस मजा आ गया, काफी देर हम रुके यहाँ पे, काफी सब्सक्राइबर से मिले, अब फिलहाल निकल रहे हैं दूसरी साइड इसके। भाई ये खाते हैं आज, अरे सौरभ जोशी, अरे भाई आपकी वीडियो देखता हूँ। अरे थैंक यू थैंक यू। तो अभी गाइस हमने चने लिए, भाई आज का डिनर ऐसे ही करेंगे, कुछ 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 खा के। तो अभी गाइस हम घूमते फिरते गंगा नदी के किनारे आ गए और यहाँ से व्यू देखो कितना मस्त लग रहा है, पीछे लक्ष्मण झूला है। तो साहिल देखो कहाँ बैठ गया भाई, यहाँ से फोटो मस्त आएगी। हाँ हाँ यहाँ देख यहाँ देख यहाँ देख। तो अभी गाइस बस कल का वेट है, कल लाइफ में पहली बार हम राफ्टिंग करेंगे। आज हमने बहुत देखा, बहुत राफ्टिंग देखी, तो उनको देख के ना डर सा लग रहा है, बिकॉज मतलब इतने बहाव में जा रहे थे और इतना चीख रहे थे वो, तो हाँ काफ़ी एक्साइटेड भी हैं और डर भी लग रहा है। एक्साइटेड बहुत ज़्यादा। तो साहिल भी काफ़ी एक्साइटेड है। गिर जाएगा भाई गिर जाएगा। मैंने कोई ट्रिप प्लान नहीं किया था, सडनली मेरा मन करा कि चलो चलते हैं और आज हम आगे बस ऐसे ही। तो भी गाइज यहाँ पे रुके हैं कुछ खाने के लिए, छोटा मोटा कुछ स्प्रिंग रोल और मोमोज वगैरह खा लेते हैं और फिर चलते हैं आगे। अब हम जा रहे हैं राम झूले। तो भी गाइज रात को चलते चलते हम पता नहीं कितनी दूर आ गए, यहाँ पे देखो आसपास कोई नहीं, एकदम सुनसान है। चलो भाई अंधेरा हो रहा है, हम अकेले हैं, जल्दी चलते राम झूले पे। फाइनली राम झूले पे पहुँच चुके हैं, कहीं घूम फिर के वहीं तो नहीं आ गए हम। गाइस दोनों ही काफ़ी सुंदर है, दोनों से अलग व्यू है, देखो यहाँ पे लाइटिंग का अलग व्यू है, वहाँ पे अलग व्यू था, मस्त लग रहा है। हाँ लेकिन लेकिन ये वाला ज़्यादा बड़ा है, लेकिन इस पे तो बाइक्स वगैरह भी जा रही हैं, तो बाइक्स और स्कूटी वगैरह भी यहाँ पे जा सकती है। देखो पीछे पीछे स्कूटी आ रही है ना, कितना प्यारा घाट है पीछे देखो। हेलो सौरभ जोशी। यस हेलो हेलो। तो भाई साहिल कह रहे कि मैं नहाऊंगा रात को, नहाएगा? गहरा लग रहा है लेकिन यार यहाँ पे है ना, रात को निकल, सुबह नहा लियो भाई, अभी रहने दे। तो गाइज आज की इस वीडियो में मैंने आपको राम झूला भी दिखा दिया, लक्ष्मण झूला भी दिखा दिया, और एक और झूला है पीछे, वो पता नहीं कौन सा है। पूला, वो भी झूला ही आई थी। नहीं पूला पूला। तो हाँ वो काफ़ी दूर है, तो वहाँ पे भी हमारा जाने का प्लान है, बिकॉज ऑलरेडी लेट हो चुके हैं, तो हम जाएंगे सीधा होटल रूम। और कैमरे की बैटरी भी खत्म होने वाली है, 0% फिर भी चल रहा है, पता नहीं क्या है, पता नहीं आज क्यों इतना साथ दे रहा है कैमरा। और ये देखो इधर इधर है राम झूला। तो चलो गाइस अब चलते हैं, बहुत लेट हो गए। तो गाइस हम पिछले 4 घंटे से पैदल घूम रहे हैं, हमने होटल से इतनी दूर आ गया ना, अभी 2 किलोमीटर और जाना है हमको आगे। मेरे को ना इसी टाइप की लाइफ पसंद है, बस भागते रहो दौड़ते रहो दिन भर रात भर काम करते रहो। तो फाइनली होटल पहुंच चुके हैं। क्या नहीं खुल रही क्या? अबे क्या हो गया, घुमा उसको, खुल तो क्या। तो अभी गाइस रात के बज चुके हैं 12:48, फिलहाल मैं एडिटिंग स्टार्ट करता हूँ, बाकी सेटअप वेटअप लगा लिया मैंने, अब एक्सटेंशन में चार्ज वार्ज कर लेते हैं और कल राफ्टिंग करेंगे। तो आप नेक्स्ट ब्लॉग में देखना, आज का दिन काफ़ी हेक्टिक था, इस ब्लॉग में काफ़ी मेहनत लगी है, तो लाइक करना और कमेंट कर देना कैसा लगा हमारा एक्सपीरियंस, था जो भी था मैंने आपके हाथ में शेयर कर दिया। बहुत सुंदर है यार ऋषिकेश, जरूर जो नहीं आए हैं, जो आए हैं उनको तो पता ही होगा, बहुत सुंदर है, थोड़ा बहुत मैंने आपको दिखाने की कोशिश की। ब्लॉग पसंद आता वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बच्चों इधर आओ, मेरे को जानते हो? हाँ, आप तो वो वाले यूट्यूबर हो। कौन से वाले? मैंने देखा का आपको, आपका यूट्यूब चैनल भी है, साहिल कुछ नाम था। साहिल को भी जानते हैं। वो यूट्यूबर है, वो वाले भैया।